जिला परियोजना समन्वय समिति की बैठक जिलाधिकारी के विजयन पांडेन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में जिला मिशन प्रबंध इकाई के उपायुक्त बीके सिंह सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में स्वतः रोजगार योजना के अंतर्गत समूह के माध्यम से लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने सहित अन्य बिंदुओं पर चर्चा की गई। इस मौके पर डीएम ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में समूह के माध्यम से लघु उद्योग द्वारा रोजगार उपलब्ध कराए जाएं, जिससे लोगों का जीवन सुलभता से चले। अभी सर ये वही है तो साथ में और लोग चले आए हैं, और लोग आ रहे हैं, ये वही लोग हैं जिसमें अब एक आजीविका संवर्धन अब क्षमता बढ़ गई। इनका सर आरसीटी के अध्यक्ष सर श्रीमान आप होते हैं और सर आरसीटी की इनकी टीम, ये दो ब्लॉक की दीदियाँ आई हैं, एक पाली ब्लॉक की है सर और हमारे खजनी ब्लॉक। सर आप ही ने एक बार मीटिंग में आदेश दिया था कि पन्नी पर रोक लग गई है, तो इन लोगों की ट्रेनिंग सर कागज का ढूंढा थैला सब बनाने उस दिन इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया सर। दो तीन महीने बड़ा अच्छा घर में रुपए आने शुरू हुए, चेहरे पर चमक आई। फिर सर एक पन्नी फिर आ गई सर, जो है नई वाली जो है। अब इन लोगों का सर वो दस वरना 10 रुपये किलो बाहर खरीदती थी और 70-60 रुपये किलो बिकता था, खजरी बाजार में ही बिक जाता है, अब वो नहीं ले रहे। अब इन लोगों ने सर फाइल कवर बनाना शुरू किया, ये बहुत कठिन होता है। ट्रेनिंग सर एडीएम साहब आए होंगे, तो ये सर एडीएम साहब ने दौड़ा किया आरसीडी डायरेक्टर साहब ने, ये सर उन्हीं की फाइल है, हम फाइल हमने तो लेना शुरू कर दिया है। तो सर ये आपके आशीर्वाद कुछ दीदियाँ सर कुछ बताना चाहेंगी, वही बताएं सर आज एक चिट्ठी आई हम लोगों को। और हमारे समूह का नाम है दुर्गा प्रेरणा स्वयं सहायता समूह की मैं कोषाध्यक्ष हूँ। हमारे बीओ का नाम है नारी शक्ति प्रेरणा ग्राम संगठन की मैं अध्यक्षता हूँ। बिना कुछ नहीं, जैसे हम लोग समूह में जुड़े हैं इससे हम लोग का मनोबल जागा है कि हम लोग कुछ करें ना कर सकें। इससे हम लोग अपना रोजगार समूह में जुड़ करके अपना शुरू कर रहे हैं। जैसे आरसीटी से हम लोग से मतलब शिक्षा मिला हुआ है, सिखाया गया है पॉलिथीन बनोगे जैसे, तो हम लोग ठोंगा बनाना काम कर दिए। ठोंगा से हम लोग सर 12-10 रुपये किलो पेपर जो पढ़ करके लोग फेंक देते थे, कोई काम में नहीं आता था, हम लोग सर वो ले करके अपना ठोंगा बनाने लगे। और ठोंगा बना करके हम लोग मार्केट में, जैसे हमारे चौराहे पसकुआ घर चौराहा है, खजनी चौराहा है, वहाँ पर हम लोग बेचने लगे 7 रुपये की। तो हम लोग के घर में थोड़ा सुधार गया है, घर की फैमिली लोग भी खुश हुए कि हमारे घर की बहू बेटी कम से कम कुछ कर रही है, नहीं पर ज़्यादा पढ़ लिख पाए तो कर दी, तो इससे हम लोग का अच्छा होने लगा। और फिर मार्केट में पॉलिथीन ज़्यादा बिकने लगा, फिर उसके बाद हम लोग एक फाइल, जैसे फाइल का हम लोग आरसीटी में के माध्यम से हम लोग शिक्षा लिया है, प्रशिक्षण लिया है 10 दिन का बढ़ाने में, और हम लोग एक बनाना शुरू कर दिए हैं। तो हम जो फाइल खरीदते हैं जो स्टेशनरी की दुकान से, तो मैंने एक फाइल इनको दे दिया, ये फाइल बनाकर हमको सेम यही तरह दीजिए, और जिस रेट में मैं उस दुकान से खरीदता हूँ उसी रेट में मैं इनको इससे खरीदूंगा सर। इनके समूह का प्रचार होगा, ये लोगों का भी प्रचार होगा जो है। और सर ये फाइल दीदियाँ लेकर जाती हैं सर, ये 5 रुपये की हम खरीदते हैं सर अपने जो, और ये दुकान पर लेके जाती हैं तो कहते हैं 1 रुपया में दे दीजिए। हाँ, तो वो ऐसे 1 रुपये में खरीदेंगे, हम ही को 5 रुपये में बेचते हैं सर जो है। तो हम डायरेक्ट अगर इनके कस्टमर बन जाएंगे सर तो ये डायरेक्ट 5 रुपये में खरीदेंगे। और ऑफिस सारे सरकारी दफ्तरों में घूमेंगी, ये तब 30 दीदियों ने प्रशिक्षण लिया आने के लिए, यहाँ 5 आई हैं, सतुआ घर अनुसूचित जाति सबसे गरीब गांव है सर, कटघर जो ब्लॉक से पहले तुम लेके हमसे आदेश कराओ, उनका रेट दे दो बस, ऑफिस का केवल मोहर किस किस को दे देंगे वो बनवा लेगी सर, जो ऑफिस फाइल नमूना देंगे मोहर बनवाकर उनको देगी सर, सैंपल लेके सर जी जी सर, जो ऑफिस जो फाइल रखता है आप अपना सैंपल दे देंगे और वो उसी तरह का 100-200 फाइल जो आप मार्केट लगे दरवाजे ना मार्केट लगे दरवाजे जी। इसके अलावा भी पहले तो हम ही लोग इनके कस्टमर बने, पर दिन उसका दूध हम लोग को मिल नहीं रहा है, यानी जो 3 बड़े-बड़े प्लांट लगी हुई है, एक तो मीरठ में लगी है, एक लखनऊ में लगी है, तीसरा गोरखपुर में लग चुका है, अभी बस इसी 10-15 दिन में चालू हो जाएगा, 12 हो जाएगा। हमें दूध का बड़ा किल्लत है, आप लोग दूध यदि गाय पालते हैं तो हम लोग पराग माध्यम से अच्छा खासा रेट उसी दिन दे करके ले सकते हैं। तो दूसरा जो पार्लर होता है छोटी छोटी जो चिल्लत, जो आपके घर में भी एक फ्रिज रखोगे, फ्रिज रख करके बस केवल वो दूध दुधिया आसपास वाले से इकट्ठा करके रखोगे, उसका एक लीटर मान लो 500 लीटर इकट्ठा कर लिए, 500 रुपये उसको मिल जाएगा, वो भी कर सकते हैं। अब उसी समूह का थोड़ा आप लोग सक्रिय कराएं, आपके क्षेत्र में 400 रुपये से ये जो खजनी रोड पे बन रहा है, खजनी यहाँ से 69 से बस मुश्किल से 1 किलोमीटर दूरी पे है,
वो पराग का डेयरी का यूनिट है वो बन गया, लग गया, तो बड़ा एक प्लांट है उसका दूध का। हम लोग दूध बाहर से मीरठ मीरठ से ट्रेन से मंगा करके इसको करा रहे हैं, दूध मिल नहीं रहा है। तो दूध जो भी है फैट के हिसाब से हो जाता है उस पर 40 रुपये 45 रुपये जो भी है मार्केट से अच्छा रेट मिल जाएगा, लग जाओगे। प्लांट का जो रेफ्रिजरेटर इत्यादि वो कंपनी वाले दे देंगे आपको, पराग डेयरी वाले सरकारी कंपनी वाले दे देंगे, और आपका लाइसेंस भी दे देंगे दूध कलेक्ट करने के लिए। अब इकट्ठा करके रखना है, उसके बाद फिर वहाँ से उठा करके कंपनी वाले लेके आएंगे।